हेलो क्लास, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आप लोगों को अच्छे से सवाल को समझाया था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी हैं कि सर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें हमें करना क्या था ना, हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशंस को, जितने भी गिवन क्वेश्चंस थे उनको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। देन यहां से हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, बी की वैल्यू निकालनी थी, सी की वैल्यू निकालनी थी। ये सारी वैल्यूज हमें वहां से निकालनी थी, ठीक है। तो वहां से हमें वैल्यूज भी निकालनी थी और हमें बताना था किसका कोफिशियंट क्या है, एबीसी निकाल के बताना था, सिंपल सा। किसी का अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और जो भी इस बार क्लास 9th में हुए हैं, जो होने वाले हैं, वो सभी स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाया करें। जो भी बच्चा इस सेशन को देखता है लाइक जरूर करा करें, कमेंट करके अपने हर एक डाउट को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल आप लोगों से इस बार भी पूछा गया है, अगली बार भी पूछा जाने वाला है। सवाल नंबर पहला हम स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज का। देखिए, ध्यान से देखिए क्या हमारा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, क्यों हैं? हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दे रखी है। हमारी इक्वेशन दे रखी है वाई बराबर 3x+5। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। हमें बताना है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है या इसके दो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, कौन सा इसका आंसर होगा। तो ध्यान से देखेगा, लीनियर इक्वेशन की जब भी बात आती है, और जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की होती है, ठीक है, कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, विद वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल की इक्वेशन होती, मान लीजिए वाई, आप ऐसे मान लीजिए 2x बराबर y 5, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, तो यहां से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, x की एक ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा हमेशा। बट हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास टू वेरिएबल्स की है। यहां पर x की हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए y का कुछ ना कुछ आंसर जरूर आपके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, x अगर मैं 0 रखू तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आने वाली है, 5 आने वाली है। x अगर मैं 1 रख दू तो भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आने वाली है, कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3 प्लस 5 8। ऐसे ही मैं x बराबर 2 रखूंगा तब y की वैल्यू कुछ ना कुछ आने वाली है, जैसे 3 2 6 प्लस 5 11। तो यहां पर मेरा आंसर होने वाला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू रहेगी ही रहेगी। सिंपल सा सवाल था यहां पर हमारा पहला सवाल। ध्यान से सवाल को समझा करो, कोई भी सवाल नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास होने से पहले कमेंट करके जरूर बता दिया करें। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हैं सभी बच्चे। सवाल नंबर सेकंड देख लेते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, 2x+y = 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन का मतलब है कि मान लो x की वैल्यू मैं कोई भी रखूं तो उसके लिए y की वैल्यू आने ही वाली है। अगर मैं x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 0 + y = 7। तो हमारा y बराबर आएगा 7। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा हो गया 0 और 7, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। मैं x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकता हूं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, अगर मैं x 1 करूंगा, 2 × 1 + y = 7। तो यहां पर होगा 2 + y = 7 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, 1 और 5 हमारा दूसरा सॉल्यूशन। ऐसे ही मैं x बराबर 2 रख लेता हूं, मेरे पास आंसर आएगा 2 × 2 + y = 7। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 + y = 7। 4 बराबर आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा हो गया 3 सॉल्यूशन। अब मुझे एक और सॉल्यूशन निकालना है। अब की बार में क्या करूंगा, x की वैल्यू 3 पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 × 3 + y = 7। 6 + y = 7, y = 1। एक और सॉल्यूशन आ गया 3 और 1। तो हमें ऐसे ही 4 सॉल्यूशन करके बताने हैं हर एक इक्वेशन के। अब यहां पर देखिए, पाई आ गया तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, सर पाई आ गया मैं क्या करूंगा। यहां पर सेम जो हमने इस सवाल में किया है वही आप लोगों को इस सवाल में भी करना है। सिंपल सा सवाल था हमारा ये, 4 सॉल्यूशन निकाल करके बताने हैं। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये जो 2 सवाल है ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और कमेंट करके इनके आंसर जरूर जरूर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। डेली 7 PM पर हमारी एक वीडियो अपलोड हो जाती है, जाके सभी लोगों को देखनी है। जो भी डाउट्स रहते हैं कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत।